तो ना हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अनरैंक्ड और रैंक से रिलेटेड काफी सारे डाउट हैं जो आप लोगों के वो क्लियर करने वाला हूँ पूरी तरीके से। क्योंकि यार जब से गेम के अंदर 1.8 के अपडेट के बाद रैंक्ड और अनरैंक्ड दो प्रकार के क्लासिक मैच गेम के अंदर आ गए हैं, तब से काफी सारे लोगों को ये डाउट आता है कि अगर हम लोग अनरैंक्ड खेलेंगे तो क्या हम लोगों की केडी जो है घटेगी या फिर बढ़ेगी, क्या हम लोग मैच काउंट होंगे, क्या हम लोग टीयर बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, क्या हम लोग जो अचीवमेंट है वो हम लोग पूरे हो पाएंगे अनरैंक्ड के अंदर। क्योंकि यार सबसे मेन चीज तो अच्छी अचीवमेंट वाली, अगर हम लोग अनरैंक्ड खेलने हैं तो कुछ तो फायदा होना चाहिए, तो क्या अचीवमेंट पूरे होंगे या फिर नहीं। तो मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप लोगों के अनरैंक्ड और रैंक से रिलेटेड हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, आज की इस वीडियो में आप लोग प्रूफ के साथ सारे जो डाउट है वो आप लोग क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो पे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से देखें, एंड तक जरूर से देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे ले चलता हूँ जहाँ से हम लोग मैच वाइज सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रैंक्ड और अनरैंक्ड, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रैंक रिलेटेड। तो रैंक के अंदर अगर आप लोग गेम खेलते हो तो आपका माइनस भी लगेगा, प्लस भी लगेगा, आपके मैच भी काउंट होंगे, आपकी जो केडी है वो भी घटेगी और केडी जो है बढ़ेगी भी, मतलब आपकी दोनों चीजें होंगी केडी के साथ भी। अगर आप लोग जो अचीवमेंट है वो रैंक के अंदर तो 100% आप लोग जो सारे सारे पूरे होने ही वाले हैं। तो अब मेन बात आती है अनरैंक्ड रिलेटेड, अनरैंक्ड के अंदर क्या होगा, अनरैंक्ड के अंदर हम लोग खेलेंगे तो क्या हम लोगों के जो टीयर है उसमें प्लस या माइनस लगेगा या फिर नहीं। तो यार अगर आप लोग अनरैंक्ड खेलोगे तो आपके जो माइनस या फिर प्लस है गेम के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, आपकी टीयर जैसी की जैसी वैसी ही रहने वाली है, आप लोगों के मैच भी नहीं काउंट होंगे अनरैंक्ड अगर आप लोग खेल रहे हो तो। अगर आपका 500 मैच है अभी तक क्लासिक के अंदर तो आपका 500 मैच ही रहने वाला है। अगर आप लोग अनरैंक्ड खेल रहे हो, आपकी केडी मान लेते हैं 2 की है तो आप लोगों केडी 2 की ही रहेगी। अगर आप लोग ने 0 किल भी करे, अगर आप लोगों ने 50 किल भी कर दी गेम के अंदर, फिर भी आपकी केडी 2 की ही रहेगी, यानी कि ना केडी बढ़ेगी ना टीयर बढ़ेगी ना मैच काउंट होंगे। तो फिर क्या आप लोग जो अचीवमेंट है वो आप लोग पूरे होंगे, या फिर आप लोग जो अचीवमेंट के द्वारा टाइटल मिलते हैं तो क्या आप लोग ले पाओगे? तो जी हाँ, ये चीज आप लोग साथ होती है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं प्रूफ के साथ, तो यहाँ पे देखो अचीवमेंट अगर आप लोग चलते हो ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अचीवमेंट का पहला कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि होता क्या है मेन। तो यार देखो अचीवमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक अचीवमेंट होता है जिसमें आप लोगों को टीयर वेयर देखी जाती है, एक अचीवमेंट होता है जो कि हम लोग नॉर्मल गेम के अंदर पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे जो आप लोग जो पहला अचीवमेंट है ना फ्लोरा मेनेस का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट द फॉलोइंग मिशन इन फ्लोरा मेनेस मोड विच इज अवेलेबल, ठीक है। तो ये आपका हुआ पहला अचीवमेंट। तो इस अचीवमेंट को आप लोग अगर पूरा करोगे गेम के अंदर, यानी कि अगर आप लोग अनरैंक्ड खेल लो और आपको ये वाला अचीवमेंट पूरा करना है अनरैंक्ड के अंदर, तो डेफिनेटली आप लोग इस अचीवमेंट को पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर इसी की जगह मैं आप एक और अचीवमेंट दिखाऊं, अभी मुझे अगर मिलता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा और आप लोगों को और अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा, रुकना आप लोग थोड़ी देर, जस्ट आप वेट करो। तो हाँ मैं आप लोगों को देखो यहाँ पे मुझे मिला ये वाला अचीवमेंट। तो यहाँ पे देखो आप लोग कमांडो नाम का चौथे नंबर पे अचीवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो विन 50 सोलो मैचेस वाइल इन प्लेटिनम टीयर और अबव। तो यहाँ पे बात आ गई हमारी प्लेटिनम टीयर की, कि हम लोग प्लेटिनम टीयर पे रहेंगे यहाँ पे विन करने 50 में सोलो में, या फिर प्लेटिनम टीयर से हम लोग ज्यादा होंगे तो हम लोग 50 में सोलो में जीतने, तो हम लोग कमांडो का जो टाइटल है ये अचीवमेंट जो हम लोग पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस अचीवमेंट को अगर आप लोग पूरा करना चाहोगे अनरैंक्ड के अंदर तो ये आप लोग पूरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जिक्र होगा टीयर का। अगर आप लोग टीयर का जिक्र होता है अचीवमेंट के अंदर तो आप लोग उस अचीवमेंट को पूरा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को जो अचीवमेंट के अंदर आप लोगों को जो टीयर ईयर वो मैटर नहीं है, यानी कि आप लोग टीयर नहीं मांग रहे, तो आप लोग डेफिनेटली जो भी अचीवमेंट है वो आप लोग काउंट होगा, वो मिशन आप लोग काउंट होगा, अचीवमेंट आप लोग पूरा होगा, टाइटल आप लोगों को मिलेगा। तो ये थे डाउट जो कि लोगों काफी ज्यादा मतलब कि परेशान कर रहे थे। तो इतनी चीजें मुझे आज की वीडियो में आप लोग बतानी थी, और उम्मीद है आप लोग मैं अच्छे से समझाने में एक चीज सफल हो पाया हूँ। तो अगर आप लोग यार ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर आप लोग नए हो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे।